यंग लड़का एक मीडिया इंडस्ट्री के इतने लोग की वाट लगा के रख दी है। आसिम और शुक्ला को कैचअप कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ही इज 40 इयर्स ओल्ड एंड ही इज गेटिंग वायलेंट विद अ 25 इयर्स ओल्ड गाय बिकॉज़ इंटरनेट इज ब्लॉक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। डैड वाज रियली इमोशनल, माय सिस्टर टोल्ड मी कि ही वाज क्राइंग दैट डे। के विंदु दारा सिंह जैसे हैं कामया पंजाबी, इनसे पच नहीं पा रहा है कि यू नो आसिम इज गेटिंग सो पॉपुलर। जो फैंडम है, जो फैंस है, वो आम जनता है जो कनेक्ट करती है। आसिम को सेलिब्रिटीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं। हेलो गाइस, आई एम उमर रियाज, आसिम रियाज ब्रदर, एज यू ऑल नो, एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ABP न्यूज। आज मेरा काम उमर कर रहे हैं, बिग बॉस की गॉसिप देना मेरा काम है। उमर, क्या है खबर बिग बॉस की लेटेस्ट बताइए। बिग बॉस की खबर यही है कि सब आसिम के पीछे पड़े हैं, अंदर भी और बाहर भी। ओहो, वैसे आसिम को क्या हो गया है? मतलब जब वो गए थे शो के अंदर एक अलग आसिम थे, अभी वो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। व्हाट इज हैपेंड टू आसिम? आई थिंक घर के जो लोग ही ऐसे हैं कि चिल्लाना पड़ता है। चलिए उमर से ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि फाइनली वो हमारे हाथ लग गए। यू थिंक आसिम और शुक्ला को कैचअप कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। गेम के लिए करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आसिम को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? खतरा आई थिंक आई वुड से सिड से ही है, बिकॉज वो बहुत बिलो द बेल्ट बात करते हैं। उसकी वजह से आसिम को भी you know has to fall to his level. Kabhi kabhi wo hota hai, kabhi kabhi wo he shows his patience, but every time it's not possible. So I think usi ki wajah se problems hoti hain sari. To yeah, okay, Sid Naz jo Twitter pe trend hai, jaise Siddharth aur Shehnaz ka bond, uske bare mein kya kahenge? I've had enough of those, both of them. I mean main actually fast forward kar deta hu whenever they are together. I don't like it at all. मतलब कुछ ज़्यादा ही आई थिंक कुछ हो रहा है, आई डोंट लाइक इट। ओके, यू थिंक टीवी सेलिब्रिटीज जो हैं ये स्पेशली जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हैं लाइक विंदु दारा सिंह, कामया पंजाबी, दे हैव काइंड ऑफ गैंग्ड अप अगेंस्ट आसिम एंड दे आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग। सी आई टेल यू वन थिंग के आसिम इज नॉट फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री, मॉडलिंग की है, बीन अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, हैज डन हिज बेस्ट, बट वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। एक शो में आके एक यंग लड़का एक मीडिया इंडस्ट्री के इतने लोग की वाट लगा के रख दी है। फैन फॉलोइंग इतनी है कि अराउंड द वर्ल्ड आई गेट मैसेजेस। उनके फैंस इंडिया में होंगे बट आसिम के फैंस आर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये चीज़ है कि बाकी लोग भी बाहर इनसिक्योर हो गए हैं। घर वालों की तो हालत ख़राब ही है बिग बॉस के बाहर। ये विंदु दारा सिंह जैसे हैं कामया पंजाबी, इनसे पच नहीं पा रहा है कि यू नो आसिम इज़ गेटिंग सो पॉपुलर। बट आई थिंक वो लोग डजन अफेक्ट आसिम एट ऑल। आसिम का जो फैंडम है, जो फैंस है, वो आम जनता है जो कनेक्ट करती है। आसिम को सेलिब्रिटीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो करते हैं वेल इनफ बिकॉज वो देखते हैं कि जेन्युइन गाय है। अदरवाइज जो आम जनता है वो रिलेट करती है, उनको पता है ये बंदा सही है। और वो जो ज़बरदस्ती की ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ब्लाइंडली, वो धक्के भी देता है। जैसे विंदु दी हर आते जाते ट्वीट करते हैं कि यू नो ही ट्राइज टू सपोर्ट हिम और tries to tell ki how is he right, you know, so aage piche ghuma ke ye sit sahi hai. So I think wo logon ko bhi dikhta hai and I think he is losing his dignity by doing all this. Is season ki ek khaas baat ye rahi ki Twitter pe throughout trend karta rahe contestants aur Asim has been trending a lot. And fans want to know about his life, personal life, family mein kaun kaun hai aur aapki family members ke kya reaction hai Asim ke game ko leke? फैमिली में मॉम डैड हैं, माय एल्डर सिस्टर शी इज़ मैरिड, देन आसिम इज़ यंगर एंड मी, दैट्स ऑल। बाकी घर वालों को इंटरनेट का इतना पता नहीं होता बिकॉज इंटरनेट इज़ ब्लॉक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं ही बताता हूँ कि ट्विटर पे ये चल रहा है, तो दे रियली फील प्राउड के देयर सन हैज़ अचीव सो मच इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड हैज़ गेन सो मच लव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दे कांट बी मोर प्राउड। हमने कहीं पढ़ा था कि आपके फादर इमोशनल हो गए थे कोई आसिम का एपिसोड देखे। हाँ एक का था जिसमें पारस ने काफ़ी यू नो ट्राई टू डीफेम हिम और बहुत ही मीन बातें की कि तू पीजी में रहता है, तू 200 रुपए का परफ्यूम लगाता है, क्योंकि पारस को आई थिंक लगता है कि मैं भी 200 रुपए का ही लगाता हूँ। तो लेकिन पारस को लगता है शायद पैसे से आपकी हैसियत बढ़ती है और लोग आपको तभी पसंद करते हैं बिकॉज यू मूव इन बिग कार्स, पर आई थिंक उसे पता नहीं है जो बिकॉज हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू रिस्पेक्ट पीपल, दैट्स हाउ पीपल विल रिमेंबर यू। एंड पारस को कोई वोंट रिमेंबर एनीवन। सो उस वो चीज़ें सुन के माई डैड वॉज रियली इमोशनल, माई सिस्टर टोल्ड मी कि ही वॉज क्राइंग दैट डे।
सो या सो पारस ने जीरो में कहा था आसिम को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं क्या बोलूँगा, वहाँ हिना खान ने उनको बोल दिया था कि जिसको तू जीरो बोल रहा है उसकी फैन फॉलोइंग इज क्रेजी, तो आई थिंक जवाब उसको वहीं पे मिल गया था। आसिम का नेचर ऐसे ही गुस्सा भी कर देगा, लेकिन सॉरी बोलने में वो सबसे आगे, उसको ये नहीं लगता है कि मैं छोटा हो जाऊँगा। सॉरी हर घर बेबी, सिद्धार्थ को सॉरी बोला, शिफाली को गलत बोला आगे उसने, उसको सॉरी बोला, सना को सॉरी बोला, माहिरा को सॉरी बोला, क्योंकि सॉरी आई थिंक सॉरी बोलने वाला जो है अगर गलती करके सॉरी बोलता है और रियलाइज करता है, आई थिंक बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इट टेक्स अ मैन टू से सॉरी, बिकॉज लोगों के ईगो पे आ जाता है कि सॉरी क्यों बोलूँ, मैं हमेशा सही हूँ। बट आसिम को फ़र्क नहीं पड़ता, गलत है तो सॉरी बोलता है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि बाहर आने के बाद सिद्धार्थ और उनका भी कोई पैचअप का सीन है, हो जाएगा दोनों के बीच में? आई होप सो कि अभी एक डेढ़ महीना बचा है, आई थिंक और मीन बातें ना हो और वो बिलो द बेल्ट बातें ना जाएँ, तो आई थिंक श्योरली दे विल कनेक्ट आउटसाइड ऑल्सो। तो अदर देन आसिम कौन, किसकी गेम पसंद है आपको? अदर देन आसिम मुझे शहनाज पसंद है, बिकॉज शी इज थोड़ा, शी जस्ट ब्रिंग स्माइल टू माई फेस, जो हरकतें क्यूट सी बबली सी बातें करती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो यार one advice you would like to give to आसिम को मैं ये बोलूँगा कि ज़बरदस्ती दूसरों की फाइट में ना पड़े, अपने अगर तुम्हें तुम्हारा कुछ है, यू नो यू टेक स्टैंड फॉर पीपल, स्टैंड लेके ओके दे वांट टू फाइट लाइक डॉग्स, जस्ट लेट देम फाइट, तुम पीछे हो जाओ एंड ओनली इफ समथिंग इज गोइंग वेरी रॉन्ग यू कम इन बिटवीन, बट उसके उससे ज़्यादा दूसरों का नहीं करने का, बिकॉज एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन गेम, सो तुम अपना खेलो। हाँ अगर तुम पे कोई आता है तो फिर उसकी बजा दो, फिर रुकने का नहीं। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग टैग करके मुझे भी लिख रहे हैं कि रश्मि की फाइट में वो अननेसेसरी जा रहे हैं एंड ही शुडंट गेट इनसाइड, और रश्मि के साथ इज गेटिंग वेरी वेल दिस डेज, ही इज गेटिंग अलोंग वेरी वेल। हाँ मुझे देखो, हाँ स्टार्टिंग में ठीक है थोड़ा उसने स्टैंड लिया रश्मि को तुमने क्यों बोला, लेकिन हाँ वो थोड़ा मुझे लगा ज़्यादा हो गया, आई थिंक वहीं पे तभी मैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट, रश्मि की फाइट है तो ठीक है स्टैंड लिया, यू आर रॉन्ग जो बोला, ओके बैक आउट इफ दे वांट टू फाइट जस्ट लेट देम। जैसे बाद में हुआ कि जब वीकेंड का वार था, आसिम अपना रिलैक्स था, वो दोनों लड़ रहे, कपड़े भी फाड़ दिए एक दूसरे के, उन्होंने वहाँ आसिम नहीं फाड़ा, तो वो चीज उसको स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। उसको लेकर भी आसिम को ट्रोल किया गया कि बैठ के छुप गए स्मोकिंग रूम, छुप के नहीं नहीं छुपा नहीं, देखो हर चीज में कूदना, अगर अरहान खड़ा हुआ है वहां पे, रश्मि है, विकास है, शिफाली है, अब एक और बंदा आके अब उनको हटाएगा तो वो तो अननेसेसरी हुआ ना, जब अरहान खड़ा हुआ है रश्मि को बचाने के लिए तो फिर एक बंदा और आने की जबरदस्ती क्या जरूरत है आने की, बिल्कुल ठीक किया आराम से बैठा, वो बीच में पड़ा ही नहीं, क्योंकि वो अगर आसिम के साथ करता तो आसिम उसके सारे कपड़े फाड़ देता सिद्धार्थ के, वो फिर शर्ट नहीं फिर और भी कुछ गलत हो जाता। लेकिन इतनी बार सिद्धार्थ इज ट्राइंग गेटिंग वायलेंट विद हिम, हाँ वो शांति देखा, आसिम शांत रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जितना मैं उसको जानता हूँ अभी तक उसको पंच करके वो बाहर भी आ जाता, बट ही रिस्पेक्ट्स द शो, ही रिस्पेक्ट्स द पीपल वॉचिंग, अगर आप दिमाग चलाते हो, जो दिमाग सिद्धार्थ ने नहीं चलाया वो धक्के मारता रहा, और उसका पूरी एवरीबॉडी इज सेइंग व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, इज 40 इयर्स ओल्ड एंड ही इज गेटिंग वायलेंट विद अ 25 इयर्स ओल्ड गाय, तो वहां पे उनका इमेज खराब हो रहा है। फैमिली एपिसोड भी होगा बिग बॉस में, तो क्या कहेंगे भाई को अंदर जाके? हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बाहर का उसको रिएक्शन नहीं पता है, तो वो चीज़ उसको मैं ज़रूर बताऊँगा कि हाउ मच पीपल आर लविंग यू एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू। ABP News, आपको रखे आगे।